चलो, तो यहाँ तक हमने इस 3D मॉडल को कंप्लीट किया हुआ है। अब इसमें कुछ फिनिशिंग कर लेते हैं। आप लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ है, मतलब अपने सिस्टम में? जैसे मैंने बताया था कि आप लोग इस पे प्रैक्टिस किया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस जगह को क्लोज कर देता हूँ। उसके लिए मैं लेट्स से 2D और फ्रेम करूँगा, और ये जो फेस है इसको मैं फ्रेस के जरिए आप कह रहे कि एक्सट्रूड करूंगा, ठीक है? अब चूंकि ये मैं ज्यादा एक्सट्रूड करूंगा, यहाँ पे मुझे वो फेस नजर नहीं आ रहा। आप जैसे मैंने बताया था ना, ये जरूरी है कि यहाँ पे आप अपने लिए कोई रेफरेंस लगा रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? अब जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो सरफेस है, इसके एज को मैं अगर कलर कर लूँ, तो एज कलर हो सकता है आपका। देखिए, यहाँ पे कलर एज का ऑप्शन है हमारे पास, तो इस एज को सेलेक्ट करें और एंटर कर रहे मैं। चलो, इसको कोई न्यू कलर, जिस तरह से आप कह लेके इस कलर को सेलेक्ट कर लेते और ओके कर लेते। अब ये एज जो है ना, वो उसी कलर का हो गया है। अगर आप चाहते हो कि वो प्रीव्यू हो, तो आप देख ले, यहाँ पे ये ग्रीन सा है ना। तो अब उसको हम अगर एक्सट्रूड करें या फिर प्रेस पुल करें तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो कंसेप्चुअल कर लेते हैं, और यहाँ पे देखे ये कैसे हमारा। मैं इसको 2D बार फ्रेम करूंगा ताकि हमें नजर आ सके। प्रेस भी करूंगा और इस फेस को स्पेसिफाई करूंगा। अब मुझे पता है कि यह इस ग्रीन तक कर देना है, मैंने इसे ग्रीन तक सेलेक्ट करूंगा। अब लेट्स सी लेट्स ओके आर नॉट। देखिए, ओके है ना। तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं चीजों को। और यहाँ पे अगर आप के पास कोई विंडो वगैरह है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? थीके? जिस तरह से मैं अप्रॉक्सीमेटली कोई विंडो लगाऊंगा, ठीक है? आप फिर हिसाब किताब के जरिए विंडो लगा ले, इस तरह का कोई विंडो, और प्रेस पुल के जरिए मैं इसको यू कर दूंगा। अब चूंकि हमने तो 3D विंडो बनाई नहीं है, तो आप लोग बस सिंपल ऐसा करें यहाँ पे। अच्छा, एक और काम भी कर ले। लेट्स से मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हाँ, चलो, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है विंडो का लेयर ना, तो मैं सिर्फ एक एक असेंबल आप कह ले, ठीक है? एक पूरी लाइन ड्रा करूंगा PL यहाँ से। अब ये इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही, देखे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? सेंटर जो पॉइंट होता है ना, तो आप बेशक एक लाइन भी लगा सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और फिर यहाँ से अगर आसानी से हो जाए यहाँ से, फिर देखिए एक हमें वो बॉक्स इंडिकेशन मिल रहा है ना। तब इसका मतलब है कि मैं पूरी लाइन ड्रा कर सकता हूँ जिसको मैं थिकनेस देने वाला हूँ, ठीक है? तो आसानी से हो जाएगा हमारा काम, बस यही सीन है। अब देखिए, यहाँ पे कोई इंडिकेशन अगर मिल रही है हमें, गलत जगह पे क्लिक कर दिया शायद। अच्छा, जब नहीं हो रहा काम तो आप फिर यहाँ पे इसको यू कर ले, ठीक है? अब पूरी लाइन ड्रा करें, यहाँ पे देखिए ये सेंटर शो हो रहा है और यहाँ पे वो सेंटर सेलेक्ट कर रहे, ठीक है? तो ये हमारा पूरी लाइन है। मैं इसको उसी लेयर में कन्वर्ट करूंगा जो कि हमारा विंडो है। देखो, फिगर है विंडो, ये विंडो है, ठीक है? और ये आप है। खैर, चलो, मैंने विंडो फिगर दिया, क्लोज कर दिया, तो वो गायब हो गया क्योंकि हमारा विंडो का जो लेयर था वो गायब है। देखिए, यहाँ पे ऑफ है, टर्न ऑफ है, ठीक है? मैं चलो इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब मजे की बात यह है कि ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से टॉप तक, 5 फीट और 11 इंचेस, ठीक है? मैं इसको थिकनेस दे दूंगा। थिकनेस पे यहाँ पे देखे 5 फीट और 11 इंचेस। आपने फिर हिसाब किताब से इसको देना है, ठीक है? मैंने तो अप्रॉक्सीमेटली बस रेक्टेंगल ड्रा कर दिया अपने हिसाब किताब, जिस तरह आपने स्मॉल प्रोजेक्ट में किया हुआ था, ठीक है? अगर एंटर करूँ मैं तो देखे यहाँ तक फिर वो हो जाएगी। इसमें एक और ऑप्शन भी है, अगर किसी ने इसको 3DX Max में इम्पोर्ट कर देना है ना, तो उनके लिए एक बेहतर फिर पॉइंट होगा। यहाँ पे आप, चूंकि ये पूरी लाइन है, तो एक चीज आप देख लें इसमें, और ये प्रॉपर्टीज में, अच्छा, इसको सेलेक्ट करें और इसमें प्रॉपर्टी में ये ग्लोबल वेट है। चलो, मैं चाहता हूँ कि 2 इंच इसका वेट हो। देखो, तो ये मैंने सिर्फ एक पूरी लाइन ड्रा कर दिया है जो कि हमें एक टच देगा बस, एक कि यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है? हालांकि ये एक पूरी लाइन है, बेशक आप 3D विंडो यहाँ पे लगा ले जिस तरह हमने सीखा है। एक विंडो मैं बना लूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये दीवार में चाहता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे ना, ये तो वो बुरा लग रहा है,
यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक ये नीचे जो है। हाँ चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से 2D वायरफ्रेम कर लेता हूँ इसको, और ये जो एज है चलो मैं इसको थोड़ा कलर कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका हो, लेट्स से ग्रीन हो ये एज, और इसका आप बेशक कॉपी भी ले सकते हो, लेकिन मैं कॉपी नहीं लूंगा। लेट्स से यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, चलो अगर मैं कॉपी कर लूँ और फिर इसका ऑफसेट लूँ तो भी पॉसिबल है। चलो कॉपी कर लेते हैं इसको, और फिर यहाँ से बेस पॉइंट है, और मैं चाहता हूँ कि U6 इंच इसका वो हो, ठीक है, कर दिया हमने, एग्जेक्ट करेंगे इस कमांड को। तो इसका मतलब है हमारे पास एक वो सरफेस बन चुका है, जो कि मैं प्रिंसिपल के जरिए इसको फिर एक्सट्रूड कर सकता हूँ ना यू, ठीक है। और कहाँ तक करूँगा, मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ तक हो बस, ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, जिस तरह से मैं इसको चाहता हूँ कि भाई 6 इंच का एक्सटेंड कर दे। तो अब जरा देख ले इसको कंसेप्चुअल में, देखे ये यहाँ तक अलाइन हो गया है, लेकिन ये बेस जो है हमारा वहां तक नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप बेस का भी वही सीन कर ले, जिस तरह के मैं अगर चाहता हूँ कि भाई यहाँ से मैं एक एज कॉपी कर लूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको वीडियो दू जिस तरह से 6 इंचिस का, और फिर एग्जेक्ट कर लेते हैं, और फिर प्रिंसिपल के जरिए इसको भी जरा व्यू कर ले यार, तो वो आसानी से हो जाता है आपका काम। यहाँ पे भी कोई फर्श वगैरह के लिए थिन सा सरफेस अक्सर लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है, बस थिन सा हो और काफी ज्यादा थिन, तो वो किस तरह से होगा, आपने सिर्फ इस पे जो कि चल टॉप पे ले जाते हैं इसको, 2D से भी वो आप उठा सकते हैं चीज, ठीक है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे देखे ये स्टेयर केस है, फिर इसके नीचे यहाँ पे चले काम कर लेते हैं, यहाँ से ये उठा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक पूरी लाइन ड्रा करूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, और वो मैं 0 लेयर में ड्रा करूंगा, ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं इसको भी बेस में ले लेते हैं, ठीक है, एक पूरी लाइन में ड्रा करूंगा, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये अगर मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वहां तक, फिर यू, ठीक है, यहाँ पे तो ये स्टेयर है, मैं इसका यू इस तरह का बाउंड्री ले लूंगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, और फिर यहाँ तक मैं चाहता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं कि चलो वो सही है, फिर यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैं क्लोज करूंगा सी स्पेस के जरिए, ठीक है। अब मैं इसको अगर काफी ले लूँ इसका यू यहाँ तक, ठीक है, तो पॉसिबल है, और लेट्स से अगेन मैं 3D व्यू में जाऊँ, ठीक है, अब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा कुछ ही, आप कह रहे 1 इंच भी कर ले देखा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो 1 इंच मैंने एक्सट्रूड कर लिया, मैं इसको मूव कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हमारे पास वो आप कह रहे कि फ्लोर का इंडिकेशन होता है कि भाई यहाँ पे कोई फ्लोर है यू, ठीक है, और ये फ्लोर तो खैर दीवार, यहाँ पे भी अब दीवार है ना, इसीलिए मैंने यहाँ तक एक्सटेंड नहीं किया इस चीज को, आप एक्सटेंड कर सकते हो बेशक इसको, लेकिन चलो इस चीज को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। मैं इसलिए ये बंद नहीं कर रहा क्योंकि फिर मजा नहीं आता ना ये, अगर चीज ज्यादा वाजह ना हो, ठीक है, मॉडल हमारा, तो इसी वजह से। अच्छा ये जो फर्श है ना, चलो मैं अगर यूनियन हो जाता है इसके साथ बेस के साथ तो इसको भी कर लेते हैं, देखिए अब यूनियन हो गया। 3D एडिटिंग में सरफेस को हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और कलर ये इस पे कलर दे ले, और मैं चाहता हूँ कि भाई ये इस सरफेस का कलर क्या हो, यू वाइट हो तो बेहतर है इस तरह का, ठीक है, बड़ा आसानी से आप इस चीज़ को एडिट कर सकते हो अगर 3D में आपका थोड़ा एक्सपर्टीज है। देखो कितने जल्दी से मैंने उसको वाइट कर दिया, फिर बना दिया, ठीक है, बेहतर ये है कि अगर वो वाइट है तो ये भी वाइट कर ले आप, ठीक है, इस तरह से ये सरफेस सेलेक्ट कर ले और फिर वाइट कर ले यू, तो अब वो वाइट नजर आएगा इनसाइड, यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा है मेरे ख्याल से, इसको रिमूव कर लेते। मैंने बताया था कि यहाँ पे ये चीज मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2 स्टोरी का एक विंडो हो, तो ये तो हमने बनाया था पहले, तो मेरे ख्याल से इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा, चलो इसको रिमूव कर लेते हैं। मैं इसके लिए टॉप पे जाऊंगा और लेट्स से 2D वायरफ्रेम कर लूंगा, ये एक्स्ट्रा है ना, तो चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, और इसी रेक्टेंगल ड्रा करूंगा,
अगेन यहाँ तक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब मजे की बात यह है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, देखिए मैं अगर इसको एक्सटेंड कर लूँ ना, आप लोगों को पता चल जाएगा, इसको एक्सटेंड कर लूँ, जितना भी ज़्यादा एक्सटेंड कर ले ताकि वो बाहर निकले, क्योंकि मैंने इस फ्लोर से सब्ट्रैक्ट कर देना इस चीज को, ठीक है। चलो यू आपने कर देना है, SU मैंने स्लैब से सब्ट्रैक्ट कर देना है इस चीज को, ठीक है। तो वो जगह गायब हो गया ना। अब इसमें एक और काम है, जो तो मैं विंडो ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो हाफ विंडो मैं चाहता हूँ इन साइड चली जाए, लेकिन बिफोर दैट लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगेन एक पूरी लाइन मैं ड्रा करूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और फिर मैच प्रॉपर्टी अगर किसी को याद है तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करूंगा, लेकिन इसका हाइट तो उस जैसा नहीं है ना, तो पहले इस चलो हाइट को कंफर्म कर ले कि हाइट कितना है हमारा विंडो का, ठीक है। ये विंडो का हाइट यहाँ तक है ना, तो चलो ये DI से कंफर्म कर लेते हैं, DI यहाँ से यहाँ तक, ये 19 फीट और 6 इंच का है ना, तो Ctrl 1 से 19 फीट और 6 इंच का, तो ये एक्सटेंड, ठीक है, आई मीन ये थिकनेस हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ये डबल स्टोरी विंडो में ये जगह नजर आ रही है ना मेरी, मेरी यही बस आपके लिए पॉइंट था, तो चलो पूरी लाइन ड्रा कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि आसानी हो, ठीक है। तो 3D बोली ये इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर हमने ये ड्रा किया हुआ है और क्लोज कर लेते हैं सी स्पेस के जरिए, ठीक है। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो देखते हैं कि कितना ये देखे उतना ये जितना हमारा स्टेयर केस है, ठीक है। तो मैं कुछ ही लेट से 6 इंच इसको एन साइड पे एक्सक्लूड करूंगा, ठीक है। तो अब लेट से ये कंसेप्चुअल पे, अच्छा ये क्या हो गया, अब वो लाइन एक्सक्लूड हो गया, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना SU, ये स्लैब को सेलेक्ट कर एंटर करें और इस एक सेकंड SU स्लैब को सेलेक्ट करें और फिर इसको सेलेक्ट करें जिसको हमने रिमूव कर देना है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो स्लैब के अंदर है, तो किस तरह से होगा, फिर आपने ये 2D वार फ्रेम पे जाना है, इसको कर ले, ये स्लैब है हमारा वाइट वाला एंटर कर ले और ये ब्राउन सा ये वही पॉट है, ठीक है, एंटर कर ले, तो अब सब्ट्रैक्ट हो चुका होगा इनशाला। यहाँ पे तो हमने वो रेक्टेंगल ड्रा किया था, इसको अब रिमूव कर ले बेशक। इसमें चलो इसमें कुछ जल्दी जल्दी लगा लेते, यहाँ पे एक लगा लेते हैं ताकि हमारा फ्रंट डिजाइन थोड़ा बेहतर नजर आ सके ना, तो फिर हम बाकी चीजों को ये जल्दी जल्दी से कर लें, और यहाँ पे एक लगा लेते हैं, ठीक है, UCS डबल स्पेस कर ले और पूरी लाइन लगा ले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आपने इसको कर देना है MA मैच प्रॉपर्टीज के जरिए, चलो इसको कर लेते हैं यू। अब इसका हाइट बहुत ज्यादा होगा, कितना हाइट है जरा आप इसको कर ले कंफर्म, देखिए काफी ज्यादा है ना, लेकिन इस चीज का हाइट तो कम है वेंटिलेशन का, ये हमने 2 फीट का दिया हुआ है, तो आपने क्या कर देना है, थिकनेस चेंज कर देना है Ctrl 1 के साथ, यहाँ पे थिकनेस चेंज कर देगा ने 2 फीट का कर ले, 24 इंच या 2 फीट। अब अगर आप ऐसा कर ले तो MA कर ले यहाँ से इसको, ये जो हमने ड्रा किया हुआ है, और फिर इसका जरूरी नहीं है कि बार बार आप बस ड्रा करते जाए पूरी लाइन, आप बस सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि काफी ले इन चीजों का। और ये दरवाजा कितना है, ये मेरे ख्याल से 7 फुट से थोड़ा ज्यादा होगा, 7 ही फुट है, तो चलो मैच प्रॉपर्टी कर लेते हैं। और अच्छा ये तो डोर है ना, तो डोर वाली लेयर में जाएंगे, डोर करंट लेयर ऑन कर लेते हैं चलो, और डोर वाली लेयर में मैं कर देता हूँ इसको सेलेक्ट, एक सेकंड ये बेस पे है किधर है डोर हमारा ये, ठीक है, और फिर यू डोर को भी सेलेक्ट कर ले आप या एक किया और रखिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा Ctrl 1 कर लूंगा, 7 फीट यहाँ पे मैं हाइट दूंगा, ठीक है, और ग्लोबल वेट देख ले यहाँ पे, ये मैं 2 इंच का दे रहा हूँ, तो हमारी डोर भी नजर आएगी यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली उस जगह पे अलाइन है। एन साइड में वो डोर वगैरह नहीं लगा था, मैं सिर्फ एक्सटर्नली लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि भाई इस तरह का कुछ सीन है। अब यहाँ पे भी डोर है, तो सिंपल आप पूरी लाइन लगा ले,
यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैं इसको मैच प्रॉपर्टी के जरिए कर लेता हूँ, ये उसको मैच प्रॉपर्टी ये वाला, तो देखे यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, ये विंडो मेरे ख्याल से नजर आ रही है। ठीक है, तो इसको भी पूरी लाइन के जरिए पे लगा लेते हैं। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि आपने 2D वायर फ्रेम में बड़ा आप लोगों ने एक्सपर्ट कर देना है अपने आप को। ठीक है, तो किधर है ये, क्योंकि अक्सर लोगों को 2D वायर फ्रेम में पता नहीं होता कि हमारा ये चीज किधर है, वो चीज किधर है, तो उसके लिए फिर आपके पास वो इंडिकेशंस भी है, कलर्स वगैरह लगा देना। ठीक है, एजेस को या सरफेसेस को, चलो इसको देख लेते हैं कंसेप्चुअल में। तो रोटेट कर लेते हैं 3D पे, देखे इस तरह का, यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, अब ये देखे बहुत ऊपर चली गई है ना हमारी ये दरवाजा। ठीक है, विंडो तो यहाँ तक है। देखे, तो जैसा मैंने बता दिया कि यहाँ पे तो वो हमने डिजाइन को देखे बगैर रेक्टेंगल ड्रा कर दिया ना, तो आप लोग फिर ये जरूरी है कि आप टॉप का जो लेवल है डोर और विंडो का वो सेम रख ले, जिस तरह हमने यहाँ बॉटम में कर लिया है। देखिए यहाँ पे लेवल दोनों का सेम है, तो इसको सेम रखा करे तो ज्यादा बेहतर होगा, जिस तरह वेंटिलेटर्स का भी सेम है यहाँ पे। और चलो मैं इसके थोड़ा कॉपी कर लूँ ऊपर की तरफ, मैंने सिर्फ वो खूबसूरत दिखाना था, वरना आप इसमें वो फिर 3D डोर लगा ले तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा ये चीज। ठीक है, अब बाहर की तरफ यहाँ पे भी एक डोर है, विंडो है, थ्रू, तो इनको चलो फिल कर लेते ताकि खूबसूरत जरा नजर पा सके ये चीज। तो 3D डोर क्या होता है? मतलब डोर को 3D में बना देना, जिस तरह एक सेकंड में इधर आपको एक डीमो दू, बाकी आप लोग खुद कर ले। वो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट में हमने एक डोर बना दिया था, अच्छा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, चलो एक यहाँ पे बना लूंगा मैं। ये लेट्स से मेरे पास एक डोर है जो कि 3 फीट बाई 7 फीट है। ठीक है, अब इसके इसके लिए आप लोग चलो एक पूरी लाइन ड्रा कर ले, और एक्सटर्नल साइड पे ऑलरेडी कुछ ब्लॉक्स भी अवेलेबल है। ठीक है, आप वो भी इम्पोर्ट कर ले, और मैं चाहता हूँ कि 2 इंच का इसके लिए चौकाट हो यू। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप 1 इंच रख ले, जो भी अवेलेबल है ना आपके इलाके में। अब मैं लेट्स से इस इंटरनल वाली डोर के लिए मैं 3 इंच का या फिर 4 इंच का, या चलो 4 इंच का ले लेते हैं, अब सिर्फ 4 इंच का ट्यूब मैंने ले लिया। अब मैं इसमें लेट्स से दरमियान मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, और इसको भी यू दरमियान से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं कुछ 1 1 इंच हर साइड पे आप सेट लूंगा। ठीक है, चलो सर्कल को ड्रा कर लेते हैं, और कुछ 6 इंच का सर्कल, फिर उसका ऑफसेट लूंगा मैं, और 2 इंच का ऑफसेट लूंगा। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों को पता है एक्सट्रीम का, हमने एक्सट्रीम सीखा था। ठीक है, EXTRIM एक्सट्रीम, मैं चाहता हूँ कि ये इनसाइड सब चीजें डिलीट हो, तो मैं सर्कल को सेलेक्ट करूंगा और इनसाइड क्लिक करूंगा। देखिए कितने मजे का कमांड है, ये भी हो गया। ये अगेन एक्सट्रीम, एक तो ट्रेम है ना, एक एक्सट्रेम है। अब ये लाइंस मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल सा 2D है आपके लिए डोर है। ठीक है, आप इसको 3D में कन्वर्ट कर ले। चलो एक और काम कर लेते हैं, इसको भी ट्रेम कर लूँ मैं, और फिर आप अगर बाउंड्री कर ले या फिर ये इंटरनल लेट्स से इनको रिमूव कर लेते हैं, इनसाइड वाली ये, और फिर लेट्स से बाउंड्री कर लेते हैं इस चीज को, तो बाउंड्री हो गया। जरा लेट्स से मैं इसको साउथ वेस्ट पे देख लूँ तो आप लोगों को नजर आएगा। देखे, मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे लेट्स से 1 इंच का या फिर 1.5 इंच का इसका हाइट है। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल है, चलो इसको देख पहले बाउंड्री कर लेते हैं इनसाइड वाली ये। ठीक है, इसको बाउंड्री कर ले, इसको और इसको। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्सट्रूड करूँ मैं, ये वाला, ये और ये वाला। ठीक है, मैं इसको कर लूँ भाई कई 1 इंच कर लेते हैं। ठीक है, 1 इंच कर लिया, लेकिन देखे वो दूसरा
बिल्कुल ऊपर चला गया है। ठीक है, तो मैं इसको सेंटर पर रख लेता हूँ, और लेट्स से कुछ 1 इंच ये हो गया, और 1.5 होता ना, तो चलो 0.5 इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है, नीचे बैक पे प्लेन हो जाएगा। बैक पे हम इसको मिरर कर लेंगे, आप मतलब हमने एक मॉडल बना देना है ना, फिर आप डायमेंशंस के हिसाब से मॉडल बनाए तो सही नजर आएगा। अब ये जो रेक्टेंगल है, मैं भी इसको कर लेते हैं लेट्स से। अब चूंकि हमारा जी ऊपर है, ठीक है, तो मैं इसको माइनस पे ले लूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए। तो चलो माइनस कर लेते हैं, 1 सेकंड, इसको भी मैं 1 इंच कर लूँ, ठीक है, या फिर 1.5 इंच कर लूँ। एंटर कर दिया। अब ये जो चोक आर्ट है वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि कितना है, ठीक है, तो आप इसको एक्सट्रूड भी कर ले बेशक, या फिर लेट्स से रेक्टेंगल के जरिए कर ले, या बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जो आसान हो आप लोगों के लिए तो उसके जरिए कर ले। मैंने बॉक्स कितना उठा देना है इसको, लेट्स से हमारे पास ना 6 इंच का दीवार है, अगेन इंटरनल बॉक्स मैं एक क्रिएट करूंगा ताकि फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ उसको, और मैं ये अगेन ये चलो 6 इंच से थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं, और सब्ट्रैक्ट कर लूंगा मैं एक्सटर्नल से इंटरनल को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो सब्ट्रैक्ट की वजह ये बन जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास वो स्ट्रक्चर आ जाएगा ना, ये कुछ मैंने ज्यादा एक्सट्रूड कर दिया है, ये कम कर देना चाहिए था ना ताकि ये चीजें नजर आ सके। तो अगेन चलो बॉक्स कर लेते हैं, ये भी चीज बॉक्स से भी हो जाएगा ना, जरूरी थी नहीं ये कि हम एक्सट्रूड करते रहे हर चीज को बार बार। और चलो मैं इसको कुछ 0.5 इंचेस कर लेता हूँ, अब ये थोड़ा नजर आ रहा है, वो हमने बहुत कम एक्सट्रूड कर दिया है, ये हमारी गलती है। खैर, या फिर एक काम कर लेते हैं, सरफेस को भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मुक ऑप्शन भी है और एक्सट्रूड का ऑप्शन भी है, ठीक है, अगर सरफेस को किसी ने एक्सट्रूड कर देना हो करना फेस को, तो फेस को सेलेक्ट कर ले ये फेस, और फिर मैं इसको हाइट दूंगा लेट से 0.2 हाइट, और इनमें 0 रखूंगा। देखो तो ये एक्सट्रूड हो गया थोड़ा बहुत, तो इस तरह से आप फेस को भी एक्सट्रूड कर सकते हो, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप आसानी से वो हो जाएगा। लेट्स से कितना कर दिया मैंने, वो ये वाला 0.25 था, 2 पॉइंट तो एक चलो 0.25 दे देता हूँ, और इसको भी 0.25 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप डिजाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह अगर मैं डिजाइन अप्लाई करूँ ना कुछ, इसमें फिलेट का भी ऑप्शन है, फिर जिस तरह हम फिलेट करते हैं ना एफ स्पेस, फिर रेडियस दे देते हैं, ठीक है, और रेडियस मैं कुछ थोड़ा सा दे दूंगा, लेट से 0.2 दे दूंगा, तो मैं इसको पेलेट कर सकता हूँ एज को, देखो पेलेट हो रहा है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है पेलेट हो रहा है ये चीज, और पेलेट हो रहा है ना, हाँ जिस तरह वो तरकांड नहीं करता, एक मशीन होता है उसके जरिए, और इस पे मैं लगाऊंगा ये दूसरी वाली पे, लेकिन इसका रेडियस कम कर लेते हैं, जिस तरह से 1 कर लेते हैं ये, क्योंकि इसका नहीं है इतना, देखो वो भी फेलेट हो रहा है। तो ये सारे आप यू फेलेट कर ले, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ इसके ऊपर, ठीक है, आप बेशक इस चीज को कोई डिफरेंट कलर दे प्रॉपर्टीज से, मतलब अगर डिजाइन आपने चेंज कर देना हो ना तो कोई और कलर कर ले, या फिर ये जो पैनल्स हैं इसको कोई और कलर दे दे, अगर इसमें पसंद नहीं आ रहा तो लेट्स से कोई इस तरह का कलर, ओके कर दिया। तो इतने मजे का कलर मैंने नहीं दिया, खैर आप मजे का कलर दे दे, सेलेक्ट करें सारे को और यूनियन कर ले। देखो अब मैंने बताया था कि आप अगर इसको कर देना चाहते हो रोटेट, ठीक है, तो इसको रोटेट कर ले, फिर अपनी जगह से इसको मूव कर ले यू, और फिर जिस जगह पे आपने इस साइज का डोर बनाया हुआ है तो फिर उसी जगह पे इसको रख ले, और सी यू टुमारो इंशाल्लाह।